2024 लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनावों का ऐलान होना है। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार ये बड़ा फैसला करने जा रही है। सूत्रों पर यकीन करें तो मार्च के पहले हफ्ते में ही नागरिक संशोधन कानून उर्फ CAA लागू करने जा रही है। CAA मार्च में लागू होने जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के मंत्री ने एक जनसभा में कहा है। इसलिए इस खबर पर यकीन ना करने के कारण नहीं दिखाई देते। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ठाकुर नगर में मतवा समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का फाइनल ड्राफ्ट मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी जनसभा में मिश्रा कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में CAA को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुलझाया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और ये किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है नागरिकता कानून अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम को आसान भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक इस देश में रहना जरूरी था। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस साल 11 साल के अधिनियम को आसान बनाया गया और भारत की नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है। यानी भारत के इन 3 पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोग पिछले 1 से 6 साल में भारत आकर बसे हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता कानून 1955 के तहत अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के तहत वो लोग अवैध प्रवासी हैं जो देश में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा में घुस आए हैं या फिर पासपोर्ट, वीजा या वैध दस्तावेज को लेकर आए हैं लेकिन वो तय किए गए समय से ज्यादा दिनों तक यहाँ रुके हुए हों। बता दें कि पिछली बार CAA कानून के विरोध में शाहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन चला था। इस लिहाज से लोकसभा चुनावों से पहले CAA लागू करने की बात करके मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा ने सरकार की मंशा साफ कर दी है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।